हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास एलेवेंथ के लिए चैप्टर नंबर थ्री दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिवाइज़ करने जा रहे हैं हालांकि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है जिसके 17 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर 15 टू तो 20 मिनट्स का है जिसमें डिटेल्स में आपको हर जो टॉपिक है वो करवाया हुआ है और साथ में एन सी भी करवा रखे हैं ठीक है थीके? तो आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसमें एक ही वीडियो में सारा का सारा जो चैप्टर के हमारे नोट्स हैं वो बनाएंगे ठीक है और जितने भी फॉर्मूलाज चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो सारे करने जा रहे हैं तो आपको कोई भी फॉर्मूला क्रैम नहीं करना है आप सारे फॉर्मूलाज खुद बना पाएंगे ठीक है तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए सो so वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक वर्ड से दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री जिसके बारे में हमने क्लास टेंथ में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अब ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड से ये डिराइव हुई है ट्राइगॉन और मेट्रॉन ट्राइगॉन का मतलब होता है यहाँ पर ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है यहाँ पर मेजर ठीक है दैट मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तो ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल को मेजर जिसके बारे में हम क्लास टेंथ में पढ़ चुके हैं टी रेशोस के बारे में पढ़ा है ना हमने अब क्लास प्लस वन के लिए हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में सबसे पहले तो एंगल एक मेजर ऑफ रोटेशन है ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई रे है जैसे सपोज कर लिया ओ ए कोई रे है ठीक है अगर ये रे जो है वो रोटेट करती है अबाउट इट्स एंड पॉइंट ओ ठीक है ये देखो इसका जो एंड पॉइंट ओ है इसके अराउंड वो रोटेट करती है और एक और पोजीशन बना लेती है दैट इज़ बी तो इसके बीच में जो जनरेट हुआ है दिस इज़ एंगल तो इसको हम बोलेंगे एंगल ए ओ बी जो है वो जनरेट हुआ है और ओ क्या है हमारा वर्टेक्स है ठीक है और ये जो थी हमारी इनिशियल साइड थी ओ जो इनिशियल साइड थी और जो दूसरी मतलब जब रोटेट हुआ तो दूसरी साइड जो बनी वो हमारी बन गई टर्मिनल साइड बन गई ठीक है अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं दिस इज़ पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज़ नेगेटिव एंगल अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है अगर डायरेक्शन ऑफ जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज़ है ठीक है डायरेक्शन में है तो जो एंगल जनरेट होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है अगर वो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है दैट इज क्लॉक तो जो एंगल इज सेट टू बी नेगेटिव एंगल क्लियर अब यहाँ पर टू यूनिट्स होते हैं ऑफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फर्स्ट वन इज़ डिग्री मेजर द सेकेंड वन इज़ रेडियन मेजर अब डिग्री मेजर क्या होता है हम इसको लिखते हैं वन डिग्री ठीक है अगर जो रोटेशन है इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड ठीक है ये हो जाए वन बाई थ्री सिक्सटी ऑफ रेवोल्यूशन ठीक है ये वन बाई थ्री मतलब एक बटा थ्री सिक्सटी ऑफ अ रेवोल्यूशन हो जाए तो इस एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पर वन डिग्री ठीक है अब यहाँ पर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पहले समझेंगे फिर समझ आएगी डिग्री मेजर की डेफिनेशन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है अगर टर्मिनल साइड जो है एंगल की को करती है इनिशियल साइड से ठीक है अब जो टर्मिनल साइड है वो इनिशियल साइड से को करती है लेटर से ये देखो ओ पहले रे थी ठीक है ये घूमना शुरू हुई एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वापस वहीं पर आ गई अब इसकी जो टर्मिनल साइड है ठीक है और इनिशियल साइड है ठीक है वो कौन साइड कर रही है आफ्टर रोटेशन एंटी क्लॉक डायरेक्शन इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन ठीक है अब हमने पढ़ रखा है कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं सिक्सटी मिनट्स होते हैं अगर मैं बोलूँगी वन मिनट में कितनी डिग्री होती है तो आप बोलेंगे वन बाई सिक्सटियथ ऑफ डिग्री कर लो ठीक है ऐसे ही अगर एक मिनट में 60 सेकेंडस होते हैं तो एक सेकेंड में क्या होता है वन बाई सिक्सटियथ ऑफ मिनट होता है है ना यही होता है ना तो बेसिकली दिस इज़ द सिंबल फॉर मिनट ठीक है दिस इज़ द सिंबल फॉर सेकेंड एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर डिग्री ठीक है इस तरह से आपको ये याद रखना है और ये क्या बना रखे हैं सम ऑफ़ द मेजर ऑफ एंगल जैसे 180 कैसे बनाना है ये हो गया हमारा 270 डिग्री ये रोटेशंस हो गए क्लियर नेक्स्ट आ गया हमारा रेडियन मेजर अब जैसे हमने हमने लिखा था वन डिग्री तो इस ये डिग्री मेजर हो गया वन रेडियन को कैसे लिखते हैं वन के ऊपर सी इस तरह से इट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ये एंगल कहाँ सब्टेंडेड होता है सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर ठीक है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ वन यूनिट पहले ये समझो एक सर्कल है ठीक है उसका सेंटर है ओ ठीक है यहाँ पर इसका रेडियस मैंने अभी बोला कितना है वन यूनिट है रेडियस वन यूनिट हो गया एक पॉइंट ले लिया हमने ए कोई ठीक है ए बी द पॉइंट ऑन द सर्कल अब यहाँ पर हमने कोई आग कट करनी है ठीक है यहाँ पर मैंने आग कट करी ये ए पी आग कट करी ठीक है सच दैट जो ये रेडियस है वो कितना है वन यूनिट है तो ये जो एंगल यहाँ पर जनरेट हुआ है ए पी दिस इज एंगल ए पी जो क्या है वन रेडियन के इक्वल है ठीक है जी अब हमें पता है कि सर्कम फ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है टू पाई आर होता है अब रेडियस बताया मैंने वन होता है तो वैल्यू पुट करो तो सी किस के बराबर आ गया सर्कम फ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू पाई के इक्वल आ गया सो दैट मीन्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ पर कितना एंगल्स अपटेंड कर रही है टू पाई रेडियन अगर मैं बोलूँ डिग्री की टर्म्स में बताओ तो वो कितना होगा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री होगा ठीक है तो आपको याद रखने है रेडियन में कितना करता है और डिग्री में कितना करता है ठीक है जी अब इन अ सर्कल ऑफ़ रेडियस आर यहाँ पर सर्कल ऑफ़ रेडियस आर में ठीक है एंगल लेंथ आर्क ऑफ लेंथ एल है ठीक है सब टेंड्स एन एंगल थीटा अगर इस तरह से हो जाए ठीक है ये देखो ये सेंटर ओ है ठीक है इसका रेडियस क्या है आर है ठीक है इसकी जो आर्क की लेंथ है वो एल है ठीक है और जो एंगल सब्टेंड है वो थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा ट्रिग टी रेशियोज़ की हेल्प से हमने ये निकाला कि थीटा क्या हो जाएगा एल अपॉन आर हो जाएगा ठीक है ये काफ़ी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है तो याद रखिएगा ठीक है जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन अब यहाँ पर मैंने आपको बताया रेडियन मेजर कितना होता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में टू पाई और डिग्री मेजर में कितना होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री ठीक है तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं टू पाई इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री टू पाई रेडियन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री है ना अब अगर टू ये उठाकर इधर ले जाए तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री ठीक है समटाइम्स यू आर गिवन विद अ डिग्री मेजर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन टू रेडियन मेजर तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज होते हैं आप पर एक ही याद रखिए आप ये वाला फर्स्ट वाला आसान होता है अगर आपको डिग्री मेजर गिवन है डिग्री में कुछ भी गिवन है जैसे थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री या कोई और डिग्री गिवन है बड़ी डिग्रीज भी गिवन है आपको उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है जस्ट मल्टीप्लाई द डिग्री मेजर विद पाई बाय वन हंड्रेड एंड यही लिखा हुआ है मैंने कि रेडियन मेजर जो होता है वो पाई बाय वन एटी मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर होता है ठीक है उसको उल्टा हम वन एटी बाय पाई करेंगे जब हमें रे डिग्री मेजर से डिग्री मेजर निकालना होगा रेडियन मेजर से तो कन्फ्यूजन ना हो तो हमेशा ये याद रखना है अगर हमें डी एम गिवन है डी एम का मतलब डिग्री मेजर गिवन है तो रेडियन मेजर कैसे निकालोगे पाई बाय वन एटी से डी एम को मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है डिग्री मेजर को मल्टीप्लाई कर दोगे इसको समझने के लिए नेक्स्ट टेबल देखते हैं ये हमने कुछ डिग्री मेजर्स लिखे हैं जिसके बारे में हमें पता है थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी वन एटी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी अब अगर इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे अगर थर्टी डिग्री है ठीक है थर्टी डिग्री हमारा क्या है डिग्री मेजर है ठीक है डी एम गिवन है तो इसको हम पाए बाय वन एटी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ज़ीरो से जीरो कैंसिल थ्री वन सा थ्री सिक्स ज़ा सो पाई बाय सिक्स क्या आ गया रेडियन आ गया ठीक है तो कोई भी डिग्री मेजर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें रेडियन मेजर में लेटर से हमने 270 को कन्वर्ट करना है सो टू सेवनटी को पाए बाय वन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है नाइन टू जा नाइन थ्री ज़ा सो दिस इज़ थ्री पाए बाय टू रेडियन ठीक है सो यू कैन कन्वर्ट एनी डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद पाए बाय वन एटी क्लियर ठीक है उसका उल्टा हम करेंगे जब रेडियन टू डिग्री मेजर जाना होगा क्लियर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फ्रॉम जीरो टू टू पाए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ जीरो से लेके 90 तक हमने ऑलरेडी क्लास टेंथ में पढ़ रखा है है ना जीरो ये हो गया 30 डिग्री ये हो गया 45 डिग्री ये हो गया 60 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री है ना ज़ीरो डिग्री ये 90 तक हमने ऑलरेडी क्लास टेंथ में पढ़ रखा है अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री है ना जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर सेवन मैंने कराया था उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से यहाँ पर जनरेट होती हैं ठीक है वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं ठीक है आपको समझ लग जाएगा अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता देती हूँ कि जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो इन्फिनिटी जीरो वन जीरो ठीक है उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज़ वहाँ पर कैसे जनरेट हुई हैं क्योंकि ज़ीरो टू नाइन्टी तक तो आप लिख ही लोगे बाकी वन एटी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी का अगर समझ के करना है तो वो लेक्चर देख लो नहीं तो इसको ऐसे ही रिमेंबर कर ठीक है जी नेक्स्ट साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हम सबसे पहले याद करेंगे होता है 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 ठीक ये क्या कहता है? अब ये हमारा होता है कार्टेशन सिस्टम हमें पता है कि इसमें कितने quadrants होते हैं चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ये हमने क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों में पढ़ा है ठीक है अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो जीरो से लेकर नाइन्टी तक यानी कि पाई बाय टू तक होता है और दूसरा क्वाड्रेंट जो है वो पाई बाय टू से ले पाई तक होता है यानी कि वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तक होता है तीसरा क्वाड्रेंट वन एटी टू टू सेवेंटी डिग्री तक होता है दैट इज़ थ्री पाई बाय टू और चौथा क्वाड्रेंट थ्री पाई बाय टू से लेकर टू पाई तक होता है यानी कि थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री ठीक है ये हो गया अब सबसे पहला वर्ड जो है ऐड एड का मतलब हो गया ऑल ऑल का मतलब हो गया हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन कॉस, टैन सीकेंट कोस सीकेंट एंड कॉट है ना ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इसमें सारी की सारी क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं जीरो से लेकर नाइन्टी तक मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास शुगर यानी कि साइन और उसका उल्टा को सीकेंट. ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं ठीक है आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले याद रखने हैं बाकी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि बाकी चार नेगेटिव हैं तीसरे क्वाड्रेंट में ठीक है तीसरे क्वाड्रेंट में टी टी का मतलब हो गया टैन एंड कॉट टैन एंड कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं And, फोर्थ एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज एंड सी ये हमारे पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं ठीक है जी तो ये आपको याद रखना है पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड को सी पॉजिटिव तीसरे क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट और चौथे क्वाड्रेंट में कॉज और सी जिसके बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के सॉल्व होंगे तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है तो अब यहाँ पर हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ठीक है साइन कॉस्टैन कॉट सीकेंट एंड क्वीकेंट है ना तो हम सारी बार बारी बारी से बात करेंगे और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें चार चीज़ें याद होनी चाहिए सबसे पहला उसका ग्राफ कैसा होता है दूसरी उसकी डोमेन क्या होती है तीसरी उसकी रेंज क्या होती है और चौथा उस कितने इंटरवल्स के बाद वो क्या करता है रिपीट करता है ठीक है तो रिपीट आफ्टर कितने इंटरवल राइट अब यहाँ पर सबसे पहला है साइन एक्स तो साइन एक्स और कॉज एक्स का जो ग्राफ है वो लहरों वाला ग्राफ होता है ठीक है वेवी वेवी ग्राफ होता है अब याद रखना है ग्राफ कैसा होता है साइन एक्स का अब यहाँ से देख सकते हो अब जीरो से लेकर पाई तक जा रहा है फिर पाई से लेके टू पाई तक जा रहा है है ना फिर सेम ऐसी ही कर्व टू पाई से थ्री पाई जा रही है और फिर थ्री पाई से फोर पाई जा रही है मतलब ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन ही बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है यानी कि हम कह सकते हैं कि वो टू पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है तो रिपीट्स आफ्टर टू पाई और ग्राफ कैसा है वेवी ग्राफ है ठीक है वेव्स वाला ग्राफ है अब आ जाता है डोमेन डोमेन में हम इसकी कोई भी जो रियल नंबर है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं सो डोमेन होता है यहाँ पर सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एनी वैल्यू वी कैन पुट ठीक है और रेंज क्या आती है तो आप देख सकते हो कि जो लहरें हैं वो वन और माइनस वन के बीच में ही हैं है ना तो इसकी रेंज क्या है माइनस वन टू वन क्लोज टू इंटरवल मतलब माइनस वन टू वन भी इंक्लूडेड है ठीक है जी तो डोमेन में आ गया कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो रेंज में क्या है माइनस वन टू वन के बीच में ही ये जो लहरें हैं वो घूमेंगी ठीक है तो चार चीज़ें होगी इसके बारे में याद ये आपने टेबल बनाकर रख लेना अपने पास आप हमेशा इसको याद रखेंगे क्लियर अब यहाँ पर एक और चीज़ आ, ये मैंने आपको कहा कि ये टू पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर साइन में हम टू पाई प्लस कुछ भी थीटा एंगल कोई ऐड करते हैं तो वो साइन थीटा के इक्वल ही होता है ठीक है ये आपको क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको पत ज़्यादा पता चलेगा क्लियर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा कॉजेक्स ठीक है तो अब यहाँ कॉजेक्स का जो ग्राफ है वो भी वेवी ग्राफ है लहरों वाला ग्राफ है ठीक है बट इसकी लहरें थोड़ी सी डिफरेंट हैं बेसिकली साइनक्स में क्या हो रहा था साइनेक्स में हमारे पास यहाँ से ज़ीरो से लेके पहले पाई और फिर यहाँ पर टू पाई पहले वो पाई तक जाता है फिर यहाँ पर टू पाई यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ये पहले पाई बाई टू पर यहाँ पर नीचे जाएगा उसके बाद यहाँ है थ्री पाई बाई टू ठीक है और फिर यहाँ पर है टू पाई ठीक है मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो बार बार क्या होगा रिपीट होगा ये भी आफ्टर टू पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट हो रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी जो कर्व है वो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है तो इसलिए कॉस टू पाई प्लस थीटा भी क्या होता है कॉज थीटा ही होता है ठीक है डोमेन इसकी वही रहेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी वही रहेगी देखो जो लहरें हैं वो माइनस वन टू वन के बीच में ही हैं तो इसलिए माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल इसकी रेंज हो गई ठीक है साइन और कॉज में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है क्लियर सो मूविंग टू द थर्ड रिग्नोमेट्रिव फंक्शन दैट इज़ कोसीकेंट एक्स कोसीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है वन बाय साइन एक्स के इक्वल होता है अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है साइन एक्स तो ये जो चीज़ है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए यानी कि हम साइन की वो वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है अब साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ ज़ीरो होती है थोड़ा सा याद रखो साइन की जो वैल्यू ज़ीरो है वो जीरो साइन ज़ीरो जीरो होता है ऐसे आपको बताया था साइन पाई जो होता है वो भी ज़ीरो होता है ऐसे साइन टू पाई जो है वो भी ज़ीरो होता है साइन थ्री पाई भी ज़ीरो होता है एंड सो ऑन यानी कि कैन हम नटशेल में कह सकते हैं कि साइन एन पाई जो है वो क्या होता है ज़ीरो होता है तो मतलब हम डोमेन में क्या लेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर हर रियल नंबर लेंगे बट यहाँ पर x जो है वो एन पाई के इक्वल नहीं होगा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एन की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो जीरो आ जाएगा एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू पाई एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो थ्री पाई एंड सो ऑन यानी कि एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए डोमेन में सारे रियल नंबर्स लेंगे बट n पाई नहीं होना चाहिए ठीक है अब रेंज क्या होगा तो इसका ग्राफ देखो ये 1 से ऊपर बना हुआ है और नीचे की तरफ देखो तो ये -1 की नीचे की तरफ बना हुआ है ना मतलब इन इस इंटरवल्स को छोड़ के बना हुआ है है ना ये वाली जो चीज है पोर्शन जो है वो रिपीट होगा यानी कि आपने आपको टू पाई इंटरवल्स के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है यानी कि कोसिकन टू पाई प्लस थीटा जो है वो कोसीकेंड थीटा के इक्वल होगा है ना अब चार चीज़ें तीन चीज़ें क्लियर हो गई सबसे पहले इसका ग्राफ दूसरी चीज़ इसकी डोमेन क्लियर हो गई और कितने इंटरवल बाद ये रिपीट करता है अब आ गई रेंज की बात तो रेंज देखो क्या आ रही है अब जो भी हमारी कर्व बन रही है वो ऊपर बन रही है ठीक है वन से ऊपर बन रही है यानी कि y जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है और नीचे की तरफ देखो तो माइनस वन से इस साइड को बन रही है तो y इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस वन ठीक है इसके बीच में कोई भी ये चीज़ नहीं बनेगी ये खाली रहेगा इसके ऊपर कर्व बनेगी या इसके नीचे कर्व बनेगी ये कोसिकेंट x का जो होता है वो ग्राफ होता है ठीक है सो मूविंग टू फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज सीकेंड एक्स सीकेंड एक्स क्या होता है वन बाय कॉज एक्स होता है ठीक है अब यहाँ पर कॉज एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए अब डोमेन में हम सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं बट एक्स जो है यहाँ पर टू एन प्लस वन पाई बाय टू नहीं होना चाहिए वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर अब जैसे हमने साइन एक्स का देखा था वैसे हम देखते हैं कॉज का कॉज पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है कॉज थ्री पाई बाय टू की वैल्यू भी ज़ीरो होती है ऐसे ही कॉज फाइव बाई टू टू की वैल्यू भी क्या होती है ज़ीरो होती है यानी कि x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू आप एन की वैल्यूज़ पुट करके देखिए जीरो वन टू आपको यही वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी जहाँ पर कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है तो यानी कि डोमेन में हम सारे रियल नंबर्स लेंगे बट ये नहीं लेंगे ठीक है तो एक्स जो है वो ये नहीं हो सकता वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है और रेंज क्या आएगी रेंज वही आएगी जैसे हमने कॉसिकंड की लिखी थी कि ये देखो कर्व्स इसकी कैसी हैं आधी कर्व इधर है आधी कर्व इधर है अभी रिपीट कितने बार कर रहा है फिर से टू पाई इंटरवल के बाद ये आप पर अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है और ये वाली जो कर्व है वो नीचे की तरफ बनी हुई है ठीक है ये वन से ऊपर बनी हुई है माइनस वन से नीचे की तरफ बनी हुई है यानी कि रेंज क्या आ गई बिलोंग्स टू रियल नंबर y इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस वन और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ठीक है ये आ गया और रिपीट करता है टू पाई इंटरवल के बाद यानी कि सीकेंड टू पाई प्लस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा के ही इक्वल होता है ठीक है जी मतलब अभी तक हमने जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े वो आप आपने आपको टू पाई इंटरवल्स के बाद ही क्या करते हैं रिपीट करते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारा टेन एक्स ठीक है टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपऑन कॉजेक्स अब यहाँ पर सेम चीज़ वही है कॉजेक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए सेम हम लगाएंगे ये देखो रेखो कॉजक्स जब ज़ीरो नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं सारे डोमेन में रियल नंबर्स ले सकते हैं बट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू फाइव बाई टू वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एक बार आप याद कर लोगे उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा उसके बाद रेंज रेंज में देखो यहाँ पर सारे जो कर्व्स हैं सभी रियल नंबर्स आ रहे हैं ठीक है तो रेंज क्या होगी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स ठीक है अब यहाँ पर देखना बाकी है कि रिपीट कितने इंटरवल बात कर रहा है देखो यहाँ से हम चले ज़ीरो से लेके यहाँ पर होगा पाई बाई टू और ये होगा फिर पाई यहाँ पर देखो ये वाली कर्व है और फिर ये वाली कर्व है फिर से ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है फिर से ये ऊपर वाली कर्व फिर नीचे वाली कर्व यानी कि ये पाई इंटरवल के बाद ही अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है ठीक है तो टैन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा के इक्वल हो जाएगा अब ये सबसे डिफरेंट हो गया टैन और कॉट जो हैं वो अपने आप को पाई इंटरवल्स के बाद ही अपने आप को रिपीट कर लेते हैं ठीक है लास्ट वन इज सिक्स वन कॉट एक्स वो हो गया कॉज अपॉन x अब यहाँ पर sin x जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और हमें पता है sin x कब ज़ीरो होता है एन पाई पे ज़ीरो होता है तो हम वो नहीं लेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर अब इसकी रेंज में भी सारे रियल नंबर्स आएंगे तो ये होगी रेंज अब यहाँ पर देखो पैटर्न कहाँ कहाँ से ज़ीरो से लेके पहले टू पाई बाई टू पाई बाई टू फिर पाई बाई टू से लेके पाई ठीक है ये भी सेम पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये रिपीट करता है आफ्टर पाई इंटरवल तो कॉट पाई प्लस थीटा क्या हो गया कॉट थीटा के इक्वल हो गया ठीक है तो ये डोमेन और रेंज जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए जब आप अटे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो नेक्स्ट आ गया आपके पास मोस्ट इम्पॉटेंट टॉपिक हमारे फार्मूलाज ठीक है अब इन फार्मूलाज़ को आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको ऐसा एक तरीका समझाऊंगी जिससे आप सारे के सारे फार्मूलेज खुद लिख पाओगे ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव फंक्शन तो आपको कोई भी ये फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए और ये फार्मूलाज आप खुद लिख सक लिख पाओगे ठीक है अगर नेगेटिव फंक्शन है तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेसिकली नेगेटिव फंक्शंस में हम किधर को मूव करते हैं ये अगर हम इधर खड़े हैं तो नेगेटिव फंक्शंस में हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे आपको मैंने बताया था एंगल्स के केस में नेगेटिव एंगल कब बनता है जब हमारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है यानी कि इस तरफ को होती है है ना दैट मीन्स अगर ये पहला क्वाड्रेंट है अगर हम पहले इधर क्वाड्रंट में हैं तो हम किस तरफ मूव कर जाएँगे चौथे क्वाड्रंट की तरफ मूव कर जाएंगे और चौथे क्वाड्रंट में क्या होता है कॉज और सी केंड पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं सो हेर इज़ द आंसर अगर हम साइन जा रहे हैं तो साइनस में क्या है नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन एक्स आया कॉज ऑफ माइनस एक्स कॉज इस क्वाड्रंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है सो कॉज एक्स पॉजिटिव आया टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स को सिकेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसिक्ड ऑफ माइनस एक्स सीकेंड एक्स तो सिंपल सी बात है याद रखना है जब हम नेगेटिव uh, फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो वी आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रंट टू द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं तो so ये छः फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए क्लियर है नेक्स्ट आ जाओ को फंक्शंस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब याद रखना है जब भी हम पाई बाय टू माइनस कर रहे हैं या पाई बाय टू प्लस कर रहे हैं तो वहाँ पर फंक्शन चेंज होगा ही होगा फंक्शन चेंज का मतलब क्या है साइन विल टर्न इंटू कॉज कॉज विल टर्न इंटू साइन टैन विल टर्न इंटू कॉट कॉट विल टर्न इंटू टैन सीकेंड को सीकेंड बन जाएगा और को सीकेंड सीकेंड बन जाएगा एक बात याद रखनी है को फंक्शन में जब भी हम पाए बाय टू माइनस करेंगे या पाए बाय टू प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा ही होगा ठीक है जी अब साइन किस हिसाब से आएंगे अब देखो अब हम जा रहे हैं पाए बाय टू माइनस एक्स पाई बाय टू माइनस एक्स का क्या मतलब है हम पाई बाय टू कहाँ पर होता है ये पाई बाय टू की लाइन है नाइन्टी की लाइन है ना पाई बाय टू माइनस एक्स मतलब हम पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो इसमें साइन का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा तो सिर्फ फंक्शन चेंज करके लिख देना है आपने साइन विल टर्न इंटू कॉज कॉज विल टर्न इन टू कॉ कॉट विल टर्न इंटू टैन सीकेंड को सिकेंड बदल जाएगा और जो कोज सीकेंड है ठीक है और सिकेंड में बदल जाएगा क्लियर है यहाँ पर ये बात ओके तो यहाँ पर नेक्स्ट आ गया कॉज पाई बाई टू प्लस एक्स अगर हम चलते हैं पाई बाई टू प्लस एक्स पे मतलब पाई बाय टू मतलब ये यहाँ पर खड़े हैं हम ठीक है यहाँ पर पिलर है ये पाई बाय टू की लाइन है पाई बाय टू प्लस एक्स का मतलब है हम दूसरे क्वाड्रेंट में एंटर कर लिए ठीक है जी दूसरे क्वाड्रेंट में एंटर कर लिए दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम एंटर करेंगे तो सिर्फ साइन और जो सी केंट है वो पॉजिटिव रहेंगे बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे अब अगर मैं बात करूँ कॉज़ की तो कॉज तो नेगेटिव हो गया एक तो उसका फंक्शन भी चेंज हो गया जाके साइन बन गया और दूसरा नेगेटिव भी लग जाएगा अब अगर मैं बात करूँ टैन की तो टैन भी नेगेटिव होता है तो कॉटेक्स माइनस का बन गया फंक्शन भी चेंज होगा और साइन भी हम अकॉर्डिंगली लगाएंगे टू द सेकेंड क्वाड्रेंट ठीक है जी तो दो बातें यहाँ से क्लियर होगी पहली बात को फंक्शंस में हम जब भी पाई बाय टू माइनस करेंगे या पाई बाय टू प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा ही होगा ठीक है जब पाई बाय टू माइनस एक्स है तो हम पहले क्वाड्रेंट में हैं तो जहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं जब पाई बाय टू प्लस एक्स में है तो हम कहाँ पर हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं ठीक है इसके हिसाब से आप लिख सकते हो फॉर्मुलास क्लियर नेक्स्ट आ गया अब पाई प्लस एक्स करेंगे या पाई माइनस एक्स करेंगे अब पाई प्लस करेंगे या पाई माइनस करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा का क्या मतलब है कॉज कौस, कॉज ही रहेगा टैन टैन ही रहेगा कॉट कॉट ही रहेगा सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे अब पाई माइनस एक्स की बात है यहाँ पर पाई होता है ठीक है ये पाई बाई टू है ठीक है ये हमारा जीरो है ये हमारा थ्री पाई बाई टू है ऐसे ही होता है ना अब ये जीरो ना ये वाली लाइन है अब पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। तो हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज और कॉसिकेंट और साइन जो है वो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो वो क्या हो गया प्लस का साइन एक्स ठीक है कॉज क्या होता है नेगेटिव होता है तो माइनस कॉज एक्स टेन क्या होता है नेगेटिव होता है माइनस टैन एक्स इसी तरह से अगर हम कॉट का लिखना चाहें तो कॉट पाई माइनस एक्स भी क्या आएगा माइनस का कॉट एक्स आएगा और अगर हम को सिकेंड का लिखना चाहें तो वो क्या आएगा पॉजिटिव का कोसिकेंड एक्स क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ठीक है अब आ जाओ कॉज फाइव प्लस एक्स पे कब पाई प्लस एक्स वाले चीज़ में हम कहाँ मूव कर रहे हैं हम तीसरे क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं फंक्शन तो चेंज होना ही नहीं है तो कॉज ने कॉज ही रहना है पर वो तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए उसके आगे नेगेटिव लगा दिया साइन ने भी साइन ही रहना है पर वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि वो तीसरे क्वाड्रेंट में है अब टैन जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस टैन एक्स आ गया इसी तरह से अगर हम कॉट लिखना चाहें तो कॉट पाई प्लस एक्स जो है वो कॉट एक्स के इक्वल ही होगा तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फंक्शन कहाँ चेंज होना है और कहाँ नहीं चेंज होना है ठीक है नेक्स्ट आ गया टू पाई टू पाई माइनस एक्स टू पाई माइनस एक्स टू पाई माइनस एक्स मतलब क्या है हम चौथे क्वार्टर में हैं ये टू पाई होता है ना जीरो और टू पाई है ना तो हम यहाँ पर टू पाई माइनस एक्स मतलब हम कौन से क्वार्टर में हैं चौथे क्वाररन में हैं चौथे क्वार्टरन में हमारे पास कॉट और जो हमारा आ, हमारा कॉज और सीकेंड जो है सॉरी कॉज और सीकेंड जो है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं तो कॉज़ जो है वो टू पाई माइनस कॉज ही रहेगा फंक्शन भी चेंज नहीं होगा तो बेसिकली फंक्शन सिर्फ पाई बाय टू प्लस या पाई बाय टू माइनस करने पे ही चेंज होता है पाई माइनस पाई प्लस टू पाई माइनस करने पर फंक्शन चेंज नहीं होता है ठीक है जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्स वाई फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जिसके बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो एक्स वाई फंक्शंस क्या कहते हैं कई इसको याद करते हैं साइन ए प्लस बी फंक्शंस करके भी याद करते हैं वो भी कोई इशू नहीं है तो मैं आपको याद कराऊंगी साइन एक्स प्लस वाई तो साइन एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई ठीक है ये आप दो तीन बार इसको रिमेंबर करोगे ना तो हो जाएंगे याद और ये चीज़ पैटर्न सेम रहेगा बस अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस है अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी होगा प्लस ही हो जाएगा साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई ठीक है ऐसे ही कॉज के बने हुए हैं बट कॉज के थोड़े से डिफरेंट हैं अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या है कॉज एक्स कॉज वाई साइन एक्स साइन वाई कॉज एक्स कॉज वाई साइन एक्स साइन वाई ठीक है साइंस इस पर डिपेंड करेंगे ऑपोजिट साइन लगाना है अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा ठीक है टेन एक्स का भी सेम है टेन एक्स प्लस वाई जो है वो टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई ठीक है ऊपर प्लस और नीचे माइनस अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा ऑपोजिट साइन चलेंगे टेन एक्स माइनस टेन वाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई सिमिलरली कॉटक्स प्लस वाई कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन काट वाई प्लस कॉट एक्स ठीक है देन सिमिलरली कॉट एक्स माइनस वन इसके ऑपोजिट साइन ऊपर चलता है ठीक है इसका सिमिलर साइन ऊपर चलता है ठीक है जैसे साइन और टैन में सिमिलर साइन चलता है ठीक है और जो टैन है उसके नीचे ऑपोजिट साइन यहाँ पर चलेगा कॉट में क्या होगा ऑपोजिट साइन ऊपर चलेगा और नीचे वाला जो सिमिलर साइन चलेगा ये आप एक चीज़ याद रखो ठीक है दूसरी चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी तो यहाँ पर कॉट एक्स माइनस वाई क्या हो गया कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स ठीक है तो ये हो गए हमारे एक्स वाई फंक्शंस देन हमारे पास आ गए टू एक्स थ्री एक्स के फॉर्मूलाज ठीक है अगर आ जाए साइन टू एक्स तो वो किसके बराबर होता है टू साइन एक्स कॉज एक्स जो कि अगर टेन में कन्वर्ट करना हो तो टू टैन एक्स हो गया अबॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स ठीक है इसकी डेरीवेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो देन आ गया कॉस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है इज़ इक्वल टू क्या हो गया टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई चांस कई बार होता है कि हमें यहाँ पर साइन नहीं चाहिए होता है तो हम साइन को ही कॉज़ की टर्म में पुट करके ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं या फिर कई बार हमें इसी फॉर्मूले में अब कॉज नहीं चाहिए तो कॉज को साइन की टर्म्स में फॉमूला में पुट करके ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर लो मैं आपको करके दिखा देती हूँ सिंपल सी चीज़ है क्योंकि हमें पता है कि कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायेयर एक्स जो होता है वो वन होता है ठीक है अगर मैं साइन स्क्वायेयर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वन माइनस को स्क्वायर एक्स हो गया इस फॉर्मूले में पुट करूँ ठीक है यहाँ पर तो को स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस को स्क्वायर एक्स ठीक है ये हो गया को स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस को स्क्वायर एक्स ये हो गया टू को स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया ये वाला फार्मूला जनरेट ऐसे सिमिलरली ये वाला भी जनरेट हो जाएगा ठीक है और ये वाला भी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायेर एक्स यानी कि कॉस टू एक्स आए तो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे ठीक है और लास्ट इज टेन टू एक्स क्या होता है टेन टू एक्स होता है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्लियर ये तो हो गए टू एक्स वाले फॉर्मूले थ्री एक्स वाले क्या कहते हैं साइन थ्री एक्स क्या होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स दैन कॉज थ्री एक्स क्या होता है फोर कॉज क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉज एक्स ठीक है देन टैन थ्री एक्स क्या होता है थ्री टैन एक्स माइनस टैन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायेर एक्स इनको याद करने का या करने का तरीका सिर्फ यही है इसको कम से कम दस बार जो है लिख कर देखो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे तो मूव करते हैं आज के वीडियो के लास्ट हमारे फॉर्मूलाज पे तो ये फार्मूलाज बहुत ही सिंपल हैं तो सबसे पहले एडिशन वाले देखते हैं अगर कॉज एक्स प्लस कॉज वाई करना है तो क्या होगा टू कॉज एक्स प्लस वाई बाई टू ठीक है कॉज एक्स माइनस वाई बाई टू इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है दैट इज सी प्लस सी क्या होता है टू सी सी के इक्वल होता है ऐसे ही कॉज एक्स माइनस कॉज वाई यानी कि सी माइनस सी क्या होगा माइनस टू एस एस माइनस टू एस एस से क्या याद रखेंगे माइनस टू एस का मतलब है साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू क्लियर देन एस प्लस एस क्या होगा टू एस सी होगा और एस माइनस एस होगा तो टू सी एस होगा तो ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं ठीक है जिसके बेसिस पे ये वाले जो फॉर्मूलाज है वो आप जनरेट कर पाएंगे ठीक है फिर आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट फंक्शन प्रोडक्ट फंक्शन मतलब अगर कॉज एक्स कॉज बाई से मल्टीप्लाइड हो यहाँ पर क्या था प्लस था तो बेसिकली सी प्लस सी क्या है टू सी सी के इक्वल हुआ था यहाँ पर अगर cos x और cos y मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होता है हमने क्या करना है cos x प्लस वाई प्लस कॉज एक्स माइनस वाई एक बार प्लस एक बार माइनस डिवाइडेड बाई टू इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर सी सी है मतलब c मल्टीप्लाई बाई सी है तो ये बन जाएगा c प्लस सी डिवाइडेड बाई टू ठीक है ऐसे ही यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई है ठीक है यहाँ पर मैं माइनस टू एसेस कर रही हूँ माइनस टू एसेस तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस सी बाई टू बेसिकली है वही चीज़ है ठीक है यहाँ पर से ही हमने क्रिएट करना है पर ध्यान रखना है चीज़ों का ठीक है अब यहाँ पर साइन एक्स कॉज बाई है साइन एक्स कॉज वाई यानी कि टू एस सॉरी यहाँ पर टू नहीं आएगा यहाँ पर एस सी ठीक है इज इक्वल टू एस प्लस एस डिवाइड बाई टू अगर एस मल्टीप्लाई बाई सी हो तो एस प्लस एस डिवाइड बाई टू हो जाता है ऐसे ही यहाँ पर अगर सी एस हो तो वो हो जाता है एस माइनस एस बाई टू क्लियर तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूलाज जो हैं वो शॉर्टकट मेथड के थ्रू याद रखने हैं सो आई होप आज की वीडियो आप के लिए हेल्पफुल रही होगी ये फॉर्मूलाज ये शीट्स आप लोग अपनी कॉपी पे बना के रखिए ये बहुत काम आएंगी और जितने भी एन सी आर टी सल्यूशन हैं इस चैप्टर के और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ये सेवनटीन लेक्चर्स में मिल जाएंगे जिसके लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो मिलोंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिविजन के साथ तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए रिवाइज करिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू